नागपुर शहर के मानकापुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना में एक 14 वर्षीय किशोर को वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना तब घटी जब फिरियादी ने अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक वाहन क्रमांक MH04FS3154 को काम के सिलसिले में अंजना टाउन गोदनी में पार्क किया था। जब अपना काम पूरा करके लौटा तो बाइक वहां से गायब थी। बाइक की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 15,000 रुपए आकी गई है। मनकापुर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही सक्रियता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली जिसमें एक किशोर की संलिप्तता का इशारा किया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस किशोर को उसके पिता के साथ उसके आवासीय क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में किशोर ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि उसने उक्त वाहन चोरी की थी। उसने बताया कि चोरी के बाद उसने बाइक को अपने आवास के पास एक खुले मैदान में कपड़े से ढककर छिपा दिया था। पुलिस ने वाहन को उसके पिता और पंचों की उपस्थिति में बरामद कर लिया। ये कार्यवाही पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह, संयुक्त पुलिस आयुक्त निसार तंबोली और अपर पुलिस आयुक्त राहुल मध्य के निर्देशानुसार की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस चोरी के पीछे किसी गिरोह का हाथ तो नहीं है। अपने पुलिसन मध्ये संदीप करडे यांनी तक्रार दिली आहे की त्यांची एक मोटरसायकल स्प्लेंडर चोरी गेलेली आहे। आपण त्या आधारे गुन्हा दाखल केला। आपल्या गोपनीय खबरे व डीबी पथकाच्या मार्फतीनं आरोपी शोध घेण्याचा प्रयत्न केला। डीबी पथकातील PSI देशमुख साहेब, एस कॉन्स्टेबल राहुल, राजेश कॉन्स्टेबल, मिलिंद प्रशांत, विपिन आणि कैलाश मुळे यांनी त्या हद्दीमध्ये अथक प्रयत्न केले, CCTV वगैरे चेक केले। त्या आधारे त्यांना एका अल्पवयीन मुलाचा शोध लागला। त्याच्याकडून आपण तपासांत त्याच्याकडून ती गाडी रिकवर केली। अजून त्याला आपण त्या इतर पोलीस आमच्या पोलिसांना इतर जे चोऱ्या दाखल झालेले आहेत त्याबद्दल सुद्धा विचारपूस केली असता तर त्यांनी असं काही रेकॉर्ड वगैरे नाही आहे। तो अल्पवयीन मुलगा आहे, तो फक्त आपल्या एन्जॉयमेंटसाठी आपले शौक पूर्ण करण्यासाठी चोऱ्या करायचे, बाकी यात ते विशेष काही नाही आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।